हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा टॉपिक नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा पर है। तो हम इसमें आज नर्वस सिस्टम के बारे में और कैसे आपके वेंट्रल रूट से नर्व्स, डॉर्सल रूट से नर्व्स निकलती हैं, इसको पूरा स्टडी करेंगे। और केवल नर्व कॉर्ड के सिवा, या हम बात करें नर्व कॉर्ड के सिवा और कौन कौन से ऐसे हम ऑर्गन्स हैं जो कि इसमें नर्वस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा नर्वस सिस्टम को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो नर्वस सिस्टम इज सिंपल। इसका जो नर्वस सिस्टम होता है बहुत ही सिंपल, और अगर हम बात करें तो बिल्कुल शुरुआत हो रही है आपके, जो भी आपके हायर कॉर्डेट्स में नर्वस सिस्टम पाया जाता है उसकी जस्ट अभी प्रिमिटिवली शुरुआत हो रही है। यहाँ पे जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो भी डिवाइडेड है, हम अगर बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, बट वो बिल्कुल कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। जैसे कि हमारे बॉडी, जब हम बात करें हायर कॉर्डेट्स में जो नर्वस सिस्टम होता है आपका, वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी नर्व सेल माइलिनेटेड होती हैं। माइलिनेटेड का मतलब माइलिन सीथ उनके किनारे किनारे पाई जाती है और वो बहुत ही तेज़ कंडक्शन करती हैं। माइलिन सीथ पाए जाने की वजह से उनका जो कंडक्शन होता है बहुत तेज़ होता है। बट अगर हम बात करें आपका नर्वस सिस्टम जो कि हम पढ़ रहे हैं ब्रैंकियोस्टोमा में, तो ये बहुत ही सिंपल होता है और यहाँ पे जो नर्व सेल होती है वो नॉन माइलिनेटेड होती है। नर्व सेल में कोई भी माइलिन सीथ नहीं पाई जाती है। अब हम बात करें तो इसमें जो आपका नोटोकॉर्ड हेड जो होता है, सबसे पहले हम हेड की बात करेंगे, तो हेड जो कि मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। हेड के स्थान पर आगे की तरफ ही एक जो है डॉट, एक जो है आपका फूला हुआ स्ट्रक्चर जो है निकला रहता है। अगर हम बात करें तो दैट इज कॉल्ड सिफेलिक पिगमेंटेड स्पॉट, उसको हम लोग सिफेलिक पिगमेंटेड स्पॉट कहते हैं। तो सबसे पहले हम नर्व कॉर्ड की बात करेंगे। तो नर्व कॉर्ड में अगर हम बात करें तो द नर्व कॉर्ड इज हॉलो डॉर्सल एंड फ्रॉम रोस्ट्रम टू टेल एंड तक है। रोस्ट्रम से लेकर के टेल एंड तक है, ये हॉलो है और डॉर्सली प्रेजेंट है। और नर्व कॉर्ड के ठीक आगे, जहाँ पे नोटोकॉर्ड फिनिश होती है वहाँ पे आपका एक पिगमेंटेड स्पॉट पाया जाता है विच लुक लाइक एज ए सेरिब्रल, या हम लोग इसको यहाँ पे ब्रेन भी बोल सकते हैं। दैट स्पॉट इज कॉल्ड सिफेलिक पिगमेंटेड स्पॉट। बट ये सिफेलिक पिगमेंटेड स्पॉट आपका आई नहीं है क्योंकि ये नॉन फोटो सेंसिटिव होता है। तो नॉ इसका फंक्शन अभी अगर हम बात करें सिफेलिक पिगमेंटेड स्पॉट का तो वेल नोन नहीं है क्योंकि हम इसे आई नहीं कह सकते हैं, ये आपका फोटो सेंसिटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका वर्क हम आगे अभी आपको वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम नर्व कॉर्ड की बात करेंगे। ए नैरो कैनाल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोसील, जो इसके अंदर जो है रन करती है फ्रॉम रॉ, अगर हम यहाँ पे इसी का जो है एक इनलार्ज फॉर्म में अगर देखें नर्व को, हम इसी नर्व जो इसके बीच से नर्व जो है जा रही है उसी नर्व को अगर हम इनलार्ज करके देखें तो आपका इसी नर्व के बीच में एक पतली सी न्यूरोसील जो है बहती हुई, न्यूरोसील जो है आपका एक्सटेंड फ्रॉम रोस्ट्रम टू टेल एंड तक जाती है, जो न्यूरोसील के चारों तरफ आपका एक लिक्विड भरा होता है। इट इज कॉल्ड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो आपका नर्व कॉर्ड के ही अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम लोग सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और ये आपका जो न्यूरोसील या नर्व कॉर्ड है इट रन्स फ्रॉम एंटीरियर रीजन टू जो है टिल एंड, टेल तक जो है आपका रन कर रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जहाँ पे फिनिश होता है वहीं पे ही आगे की तरफ ये कुछ एक डाइवर्टिकुलम बना करके पीछे की तरफ थोड़ा सा डाइवर्स हो जाती है जिसे हम लोग डॉर्सल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो सेंसरी इन नेचर, या हम बात करें तो ये भी आपका नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट होता है डॉर्सल डाइवर्टिकुलम। और ये जो डॉर्सल डाइवर्टिकुलम है इसके जस्ट आगे मैंने आपको बताया पिगमेंटेड स्पॉट पाया जाता है। एंड अगर हम बात करें इस जो है डॉर्सल नर्व कॉर्ड के ठीक नीचे आपके कुछ स्मॉल ऑसिली पाए जाते हैं इस तरीके से, जिसे हम लोग लेटरल ऑसिली कहते हैं। और ये लेटरल ऑसिली आपके ब्रैंकियोस्टोमा में आई के जैसे वर्क करते हैं। अगर हम बात करें तो इसकी जो आई की जो सेल होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, सभी कहेंगे तो ये आपका फोटो सेंसिटिव नेचर का होता है इन लेटरल ऑसिली। अगर हम बात करेंगे तो लेटरल ऑसिली में ये
आपका फोटो सेंसिटिव नेचर का होता है। और ये आपकी नर्व, यहाँ पे कुछ इस तरीके से नर्व सेल्स हैं जो पीछे की तरफ हैं, जो इस लेटरल ऑसिली से आपका नर्व कॉर्ड के अंदर गई हुई होती हैं। तो होप सो आपको लेटरल ऑसिली समझ में आया होगा। और नेक्स्ट, इसी लेटरल ऑसिली के आगे अगर हम वेंट्रल साइड में ही बात करें, तो आपका कुछ जो है इस तरीके से सीलिया टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये सीलिएटेड स्ट्रक्चर आपका इन्फंडिबुलर ऑर्गन कहलाता है। ये इन्फंडिबुलर ऑर्गन आपका वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। तो आपने देखा ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपका नर्व कॉर्ड का ही एक डाइवर्टिकुलम है, कुछ डॉर्सल साइड में पीछे की तरफ जो है पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम लोग डॉर्सल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। ये भी आपका सेंसरी नेचर का होता है। एंड लेटरल साइड में अगर हम बात करें तो आपके कुछ नर्व जो है ऑसिली पाए जाते हैं जो कि आई लाइक वर्क करते हैं। एंड वेंट्रल साइड में ही अगर हम बात करें तो कुछ सिलिएटेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे हम लोग इन्फेंडिबुलर ऑर्गन कहते हैं। और एट द एंटीरियर साइड मैंने आपको बताया पिगमेंटेड स्पॉट पाया जाता है। और अगर हम डॉर्सल में अगर हम बात करें तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर, दैट पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डॉर्सल डाइवर्टिकुलम। एंड सम जॉइंट नर्व सेल, कुछ नर्व सेल का जॉइंट नर्व सेल का गुच्छा जो है पाया जाता है डॉर्सल साइड में, जिसे हम लोग जॉइंट नर्व सेल कहते हैं। ये जॉइंट नर्व सेल जो है आपका वो सेंसरी जो है नेचर का होता है, मींस नर्वस सिस्टम में ही अपना जो है नर्वस सिस्टम में ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। नाउ द नेक्स्ट इज पिगमेंटेड आई स्पॉट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया पिगमेंटेड स्पॉट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेरिब्रल और या फिर हम इसको ब्रेन भी कहते हैं। और इसी के ही डॉर्सल साइड में अगर हम बात करें नर्व जो भी आपका ये ब्रेंकियोस्टोमा है, इसके डॉर्सल साइड में एंटीरियर रीजन में कुछ डिप्रेशन पाया जाता है। डिप्रेशन मीन्स धसाव, एक्टोडर्मल सेल का ही धसाव पाया जाता है, जिसे हम लोग कोलिकर्स पिट कहते हैं। तो अब वन बाई वन हम लोग डॉर्सल डाइवर्टिकुलम, जॉइंट नर्व सेल, कोलिकर पिट, पिगमेंटेड स्पॉट, लेटरल ऑसिली और इन्फेंडिबुलर ऑर्गन के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसका वर्क करता है। सबसे पहले हम नर्व्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारा नर्व, अगर हम नर्व की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका इस स्ट्रक्चर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें। सेरिब्रम के आगे वाला जो आपके दो नर्व निकल रही हैं और सेरिब्रम के पीछे जो नर्व निकलेंगी उनके अलग अलग नाम होंगे। तो सेरिब्रम के आगे जो नर्व निकलेंगी उसे हम लोग फर्स्ट सेरिब्रल नर्व कहेंगे, और सेरिब्रम के पीछे जो आपकी नर्व निकलेंगी उसे हम लोग आपका फर्स्ट स्पाइनल नर्व बोलेंगे। इट इज कॉल्ड फर्स्ट सेरिब्रल नर्व बिकॉज ये आपका सेरिब्रम के आगे निकली है, मीन्स ये आपका अगर हम बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। और सेरिब्रम के पीछे यानी ब्रेन के पीछे जो भी आपकी नर्व निकल रही है उसको हम लोगों ने स्पाइनल नर्व दिया है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें हायर वर्टिब्रेट के जैसे, तो हायर वर्टिब्रेट में भी यही होता है, हमारी जो है ब्रेन से निकलने वाली सेल नर्व्स हमारी सेरिब्रल नर्व्स कहलाती हैं, और पीछे स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली हमारी जो नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे भी हमने आपको बताया कि कुछ प्रिमिटिव अभी शुरुआत ही हुई है नर्वस सिस्टम की, तो हमने इसको जस्ट लाइक वर्टिब्रेट के ही जैसे कंसीडर करते हुए नाम दिया हुआ है कि आपका ब्रेन से निकलने वाली सेल मीन्स ब्रेन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो भी आपका पीछे लोग नर्व को स्पाइनल नर्व नाम देते हैं। तो जो आपकी सेरिब्रल यानी फर्स्ट सेरिब्रल नर्व जो निकली हुई है इसका कोई भी वेंट्रल रूट प्रेजेंट नहीं होता है, इसका केवल डॉर्सल रूट ही प्रेजेंट होता है इसमें। मतलब आपका कि अगर हम बात करें ये एनिमल है तो ये नर्व जो पहली सेल है, जो पहली नर्व है आपकी फर्स्ट सेरिब्रल नर्व, ये फर्स्ट सेरिब्रल नर्व वेंट्रल की तरफ नहीं जाती, केवल डॉर्सल की तरफ जाती है। बट अगर हम बात करें आपके स्पाइनल नर्व की, तो स्पाइनल नर्व आपके दोनों तरफ जाती है, बॉडी के दोनों तरफ। ये हमारा सपोज आपका ब्रेंकियोस्टोमा में है, तो ब्रेंकियोस्टोमा में नर्व निकल रही है, कुछ नर्व आपके डॉर्सल की तरफ चली जाएगी और कुछ नर्व आपकी वेंट्रल की तरफ चली जाएगी। तो जो नर्व आपकी वेंट्रल की तरफ जाएगी उसे हम लोग वेंट्रल रूट बोलेंगे, जो नर्व आपकी डॉर्सल की तरफ जाएगी उसे हम लोग डॉर्सल रूट बोलेंगे। तो होप सो आप मेरी बात को यहाँ पे समझ रहे होंगे।
अगर हम बात करें हायर कॉर्डेट्स की, तो हायर कॉर्डेट में सपोज ये आपका, हमने स्पाइनल कॉर्ड जो भी आपका नर्वस सिस्टम है उसको यहाँ पे ये कट करके बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी जो डॉर्सल रूट निकलती है वो वेंट्रल रूट से जा करके मिक्स हो जाती है और कुछ गैंग्लिया का काम, मतलब गैंग्लिया बनाती है, लेकिन आपका गैंग्लिया यहाँ पे बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। गैंग्लिया आपके नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा में कोई भी गैंग्लिया नहीं पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो डॉर्सल रूट होता है वो वेंट्रल रूट से कभी भी मिक्स नहीं होता है। जबकि अगर हम हायर कॉर्डेट्स की बात करें तो हायर कॉर्डेट्स में जो डॉर्सल रूट है वो वेंट्रल रूट से मिक्स हो जाता है, और इस तरह के हम लोग नर्व को हम लोग मिक्स नर्व बोलते हैं। ये मोटर और सेंसरी दोनों नेचर की होती हैं। जबकि हम बात करें ब्रैंकियोस्टोमा में, तो ब्रैंकियोस्टोमा में जो आपका डॉर्सल रूट होता है वो आपका डॉर्सल वाले हिस्से को ही सप्लाई करेगा, और जो वेंट्रल रूट होता है वो केवल वेंट्रल वाले हिस्से को सप्लाई करेगा। होप सो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। सपोज ये आपका ब्रैंकियोस्टोमा में है, ब्रैंकियोस्टोमा है, तो जो डॉर्सल वाली नर्व्स हैं वो केवल डॉर्सल की तरफ ही सप्लाई करेंगी, वो वेंट्रल की तरफ नहीं जाएंगी। जबकि ये जो वेंट्रल की तरफ जाने वाली नर्व्स हैं वो केवल वेंट्रल की तरफ सप्लाई करेंगी। अब आइए हम यहाँ पे बात करेंगे, जो आपका डॉर्सल रूट की नर्व्स होती हैं वो आपके मोटर और सेंसरी दोनों नेचर की होती हैं, और ये आपके मायोटोम्स को जो है नर्व की सप्लाई करती हैं। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे वेंट्रल रूट की, तो वेंट्रल रूट आपका केवल मोटर होता है, ये मिक्स नर्व नहीं होती। जबकि जो आपकी डॉर्सल रूट होती है ये मिक्स नर्व होती है, ये मोटर और सेंसरी दोनों नेचर की होती है। मोटर और सेंसरी से यहाँ पे जो मेरा कहने का मतलब है, जब मैं आपको इसके आगे नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि डॉर्सल और मोटर और सेंसरी एक्चुअली क्या होता है। मींस मोटर और सेंसरी में होता है कि सूचना को ले जाने का काम करती है वो आपकी मोटर सेल्स। सपोज ये आपका कोई ह्यूमन का, आप थोड़ा सा यहाँ पे प्लीज़ इसको देख लीजिए, तो आपको एक ब्रेन में, आपके दिमाग में एक क्लियर कट आइडिया बन जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। सपोज ये आपका कोई हायर एंड कॉर्डेट का स्ट्रक्चर है, ये आपका हैंड है। अब आपके यहाँ पे डॉर्सल रूट की और वेंट्रल रूट की दोनों नर्व आई हुई है। इन हायर कॉर्डेट की हम बात कर रहे हैं, हम ब्रैंकियोस्टोमा की बात नहीं कर रहे हैं। हायर कॉर्डेट की तुलना करते हुए हम आपको ब्रैंकियोस्टोमा के नर्वस सिस्टम के बारे में समझा रहे हैं। तो सपोज जो भी हमारी डॉर्सल रूट की नर्व यहाँ पे आई होगी, तो वो हमारे बॉडी में डॉर्सल रूट की और वेंट्रल रूट की मिक्स नर्व होती है, दोनों आपस में मिली होती हैं। तो सूचना को, सपोज हमें यहाँ पे कोई किसी चीज़ ने चींटी ने काट दिया, तो सूचना को ले जाने वाली ब्रेन तक जो है सेल को हम लोग मोटर नर्व बोलते हैं, और एक्शन करने जो भी, अब हमारा ब्रेन ने जो डिसाइड किया हाथ को हटाना है या हाथ को नहीं हटाना है, तो उस सूचना को ले जाने वाली हम लोग नर्व को सेंसरी नर्व बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा यहाँ पे है इन ब्रैंकियोस्टोमा में आपका कुछ ऐसा नहीं है कि दोनों जो है आपके वेंट्रल रूट और डॉर्सल रूट मिक्स हो और गैंग्लिया पाया जाए। हायर कॉर्डेट्स की तरह यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वेंट्रल रूट और डॉर्सल रूट अलग अलग है। डॉर्सल रूट आपका मोटर और सेंसरी दोनों होता है, जबकि वेंट्रल रूट आपका केवल मोटर होता है। अब हम डॉर्सल की अगर बात करें, ये केवल सिंगल जो है नर्व होती है आपकी डॉर्सल रूट की, लेकिन अगर हम वेंट्रल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके बहुत सारे ब्रांचिंग पाई जाएगी। डॉर्सल रूट आपका सिंगल होता है एंड बट वेंट्रल रूट मेक्स सेवरल ब्रांचेस, और डॉर्सल रूट के जस्ट अपोजिट आपकी वेंट्रल रूट होती है। तो होप सो आपको यहाँ पे नर्व्स वाला ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये मैंने जो अभी आपको बताया कि आपका सेरेब्रल और जो भी आपका ये डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट है, ये दोनों मिलकर के आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रहा था इन ब्रैंकियोस्टोमा। लेकिन अब हम बात करें ब्रैंकियोस्टोमा में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है। तो एस जो है आपके स्पाइनल कॉर्ड से ही, अगर हम यहाँ पे जो भी आपका नर्व कॉर्ड है उसको स्पाइनल कॉर्ड माने, तो आपके नर्व कॉर्ड से ही निकलने वाली कुछ सेल आपका गट रीजन है, गट रीजन में जाती है और गट रीजन को नर्वस की सप्लाई करती है। तो गट रीजन में पाई जाने वाली डॉर्सल रूट की नर्व ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाती है इन ब्रैंकियोस्टोमा। आइए हम नेक्स्ट बात करें। अब तो मैंने आपको बताया
आई केवल आप इसमें आप फटाफट देख लीजिए, ये आपका लगभग लगभग मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब बस हम वन बाय वन इनकी पोजीशन को और इनके थोड़े बहुत वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो आई स्पॉट एंड ऑसिली, इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ दिस नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड के आपके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। और ये जो आपका आई स्पॉट या ऑसिली है, इसमें टू टाइप्स की सेल पाई जाती है। एक सेल आपकी फोटो सेंसिटिव इन नेचर होती है, जो कि बाहर वाली सेल है। हम बात करें तो ये जो भी आपका आई स्पॉट है, ये कुछ आई के जैसे वर्क करता है, जस्ट लाइक हायर कॉर्डेट्स, जैसे आपका हायर कॉर्डेट्स में जो है वर्क करता है, बट इट इज नॉट अ ट्रू आई। अगर हम बात करें तो ये आपका ट्रू आई नहीं होता है। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लें आपका डॉर्सल डाइवर्टिकुलम। तो डॉर्सल डाइवर्टिकुलम इज जस्ट लाइक ए पाउच विच इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल एंड ऑफ दिस नर्व कॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड के ही जो है आपका डॉर्सल इंड में एक पाउच लाइक प्रोजेक्शन है, जो कि डॉर्सल डाइवर्टिकुलम कहलाता है। और ये आपका सेंसरी नेचर का होता है, मींस यहाँ ये भी आपका नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है। तीसरा हम लोग बात करें अगर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका है इनफंडिबुलर ऑर्गन। तो इनफंडिबुलर ऑर्गन इसीलिए कि जो भी कुछ सेल्स हैं ऑन द फ्लोर ऑफ दिस नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड के फ्लोर पर पाई जाती हैं ये। और इनके जो जो भी आपके ऑसिलेटेड सिलिएटेड ऑर्गन है ये, और इसके सीलिया को हम लोग रेसिनर्स फाइबर बोलते हैं। और ये रेसिनर्स फाइबर आपके जो भी आपका ये नर्व कॉर्ड है, इस नर्व कॉर्ड के अंदर गए हैं। इसका जो वर्क है वो अनसर्टन है, बट ये कहा जाता है कि ये कुछ आपके प्रेशर को डिटेक्ट करती हैं। सेरेब्रल जो भी इसके अंदर आपका नर्व कॉर्ड के अंदर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड भरा हुआ है, इस फ्लूड के प्रेशर को ये डिटेक्ट करती हैं। बाकी इनका जो वर्क है वो अभी अनसर्टन है। तो ये जो आपकी इस तरीके से फाइब्रल्स निकले हुए, इस फाइब्रल्स को हम लोग रेसिनर्स फाइब्रल बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिफेलिक पिगमेंटेड स्पॉट, तो एट द एंटीरियर एंड ऑफ नर्व कॉर्ड एक पिगमेंटेड स्पॉट पाया जाता है, जिसे हम लोग जो है सेरेब्रम या ब्रेन भी बोलते हैं। ये आपका फोटो सेंसिटिव नहीं होता है। ये भी आपका अगर हम बात करें तो कुछ थर्मोरिसेप्टर टाइप का होता है, मीन्स आपके गर्मी का को जो है डिटेक्ट करता है। ये आपका फोटो सेंसिटिव नहीं होता है, इसको आई से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलिकर पिट की। तो कोलिकर पिट आपका कुछ और नहीं, एंटीरियर साइड में ही एक्टोडर्मल सेल का कुछ डिप्रेशन पाया जाता है। ये डिप्रेशन आपका जो है कीमोरिसेप्टर नेचर का होता है। अगर हम बात करें तो ये कीमोरिसेप्टर है, इसका काम है आपके जो भी वाटर एंटर कर रहा है माउथ की तरफ, उनको देखना कि उसमें कोई केमिकल सब्सटेंस तो प्रेजेंट नहीं है। तो इट इज़ कॉल्ड कोलिकर पिट, इसको हम लोग कोलिकर पिट करते हैं। ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है एंड बस कुछ सेल का डिप्रेशन है, जो कि आपके एंटीरियर साइड में डॉर्सल की तरफ पाया जाता है इन ब्रैंकियोस्टोमा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका है कुछ जॉइंट नर्व सेल आपके इन डॉर्सल साइड में पाई जाती है, जो कि सेंसरी नेचर की होती हैं। तो होप सो आपको ये सिंपल नर्वस सिस्टम समझ में आया होगा। ये इट इज़ वेरी सिंपल। अगर हम इसकी तुलना बस हायर कॉर्डेट्स के साथ करें तो हायर कॉर्डेट्स से ये सिंपल है। यहाँ पे भी हमने देखा जो जो चीज़ें हम लोगों ने देखी, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे अभी फाइनल जो थोड़ा एक कंसाइज वे में हम देख लें। तो कंसाइज वे में देखें तो आपका एंटीरियर की तरफ एक पिगमेंटेड स्पॉट पाया जाता है, जिसे हम लोग सिफेलिक पिगमेंटेड स्पॉट बोलते हैं। आगे की तरफ सेरेब्रम से ही जो नर्व निकलती है, उसे हम लोग फर्स्ट सेरेब्रल नर्व बोलते हैं। और पीछे की तरफ जो नर्व कॉर्ड से आपकी नर्व निकलती हैं, तो उसे हम लोग स्पाइनल नर्व कहते हैं। इस स्पाइनल नर्व में आपकी दो रूट पाए जाते हैं, डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट आपका जो है मिक्स्ड होता है, मींस मोटर और सेंसरी दोनों होता है, जबकि वेंट्रल रूट आपका केवल मोटर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर इसमें, तो इनफंडिबुलर ऑर्गन जो कि आपका रूफ ऑफ दिस नर्व कॉर्ड, इस नर्व कॉर्ड के फ्लोर पर पाया जा रहा है, जो कि आपका सेंसरी नेचर का होता है। हम अगर बात करें तो इनफंडिबुलर ऑर्गन। नेक्स्ट है आपका डॉर्सल डाइवर्टिकुलम। तो डॉर्सल डाइवर्टिकुलम आपका डॉर्सल साइड में पाया जाता है। कुछ जॉइंट नर्व सेल, कोलिकर पिट और पिगमेंटेड आई स्पॉट एंड लेटर ऑसिली। तो जब भी आप नर्वस सिस्टम को डिटेल करेंगे तो ये सारी बातें नर्वस सिस्टम में लिखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम।